जी हाँ दोस्तों, आज के मुख्य समाचार ताज़ा अपडेट्स निकल कर आ रहे हैं संपूर्ण भारतवासियों के लिए। दोस्तों, आज हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री ने देश भर के तमाम किसानों के लिए कर दिया है बड़ा ऐलान। बताया है पीएम किसान सम्मान निधि योजना का अगर आपको भी मिल रहा है फायदा तो ना करें यह छोटी सी गलती, नहीं तो नहीं मिल पाएगा आपका 2000 रुपया। साथ ही साथ देश भर में गैस सिलेंडर से लेकर GST तक 1 तारीख से 1 नवम्बर से होने जा रहे हैं कई बड़े बदलाव, आपकी जेब पर पड़ेगा इसका सीधा असर। वहीं दोस्तों, मोदी सरकार ने किया है बड़ा ऐलान, दिवाली से पहले 6000 रुपये गरीब महिलाओं को देने का हुआ ऐलान। बस करना होगा यह काम, आधार कार्ड ई श्रम कार्ड है तो जान लीजिए कैसे मिलेगा लाभ। इसके साथ ही साथ देश भर के तमाम करोड़ों किसान भाइयों के लिए आई हैं बड़ी खबरें। महिला मजदूर श्रमिक के अलावा देश के हर एक बेरोजगार युवा को अब मिल सकती है नौकरी। दिवाली और आने वाले साल 2024 में लोकसभा इलेक्शन से पहले देश में होने जा रही हैं बड़ी भर्तियाँ। सरकारी नौकरी पाने का है सुनहरा मौका। अगर आप भी जानना चाहते हैं किन किन पदों पर और किस किस कक्षा तक के लोगों के लिए यह भर्तियां निकलने वाली हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत करते हैं आज के मुख्य समाचार देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में। जी हां दोस्तों, आज के मुख्य हेडलाइंस, ताज़ा अपडेट्स, देश और राज्यों की कोने कोने से निकल कर आने वाली ताज़ा बड़ी खबरें इस वीडियो में आपको मात्र 8 मिनट के अंदर बताई जाएंगी। तो गुजारिश है कि वीडियो को पहले से ही लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो जी हाँ दोस्तों, सरकार ने किया है बड़ा ऐलान, दिवाली से पहले बिजली होगी सस्ती, 1 महीने तक का बिजली का बिल भी सरकार करेगी माफ़। दोस्तों, आपको जैसा कि मालूम है देश में जल्द ही केंद्र सरकार यानी कि लोकसभा इलेक्शन होने वाले हैं। ऐसे में सरकार देश के कई राज्यों में आम जनता को बिजली फ्री देने वाली है। किन किन राज्य में और किन लोगों को पहले यह 1 महीने का बिजली का बिल माफ़ होगा, कहां के लोगों को बिजली का बिल का फ़ायदा मिलेगा, जानेंगे थोड़ी देर में। वहीं नवंबर महीने में अगर आपका भी है बैंक से जुड़ा कोई ज़रूरी कामकाज तो अगले महीने 15 दिनों तक रहेंगे बैंक बंद, डाल लीजिए छुट्टियों की लिस्ट पर नज़र। दोस्तों, केंद्रीय बैंक ने एक ज़रूरी जानकारी दी है किस किस दिन बैंक बंद रहेंगे। यदि आपका कोई भी बैंक से जुड़ा कामकाज है तो इस छुट्टियों की लिस्ट पर एक नज़र ज़रूर डाल लीजिएगा, जो कि हम आपको अभी थोड़ी ही देरों में आगे दिखाएंगे। वहीं अगली बड़ी खबर, बिजली कनेक्शन धारकों के लिए हुआ बड़ा ऐलान, बम्पर छूट का सरकार ने दिया फ़ायदा, गांवों में रहने वाली और शहर में रहने वाली महिलाओं को सबसे पहले मिलेगा लाभ। अगर आप भी अपना बिजली का बिल पिछले 1 साल तक का भी माफ़ करवाना चाहते हैं तो महिलाओं को सरकार दे रही है खास मौका। दोस्तों, दिवाली पर अगर आप पुरुष हैं तो 1 महीने का और अगर आप महिला हैं तो 1 साल का बिजली का बिल सरकार कर रही है माफ़। जान लीजिए क्या है तरीका, कैसे आप भी ले सकते हैं यह छूट का फ़ायदा। इसके अलावा ये हैं देश की टॉप 3 नलकूप योजनाएं, जिनमें सरकार किसानों को खेतों में नलकूप लगाने के लिए फ्री में दे रही है सुविधा। आप भी अपने खेतों में बोरवेल लगवाना चाहते हैं तो सरकार की तरफ से यह फ़ायदा आपको भी मिल सकता है। जान लें क्या है तरीका, कैसे करना होगा योजना में आवेदन। इसके अलावा संपूर्ण देश में 1 नवंबर से होने जा रहे हैं कई बड़े अपडेट। LPG रसोई गैस सिलेंडर से लेकर यह 3 चीज़ें हो सकती हैं संपूर्ण देश में महंगी। तो कौन कौन सी चीज़ें महंगी, किन चीज़ों के दाम घटेंगे, पूरी जानकारी इस वीडियो में जानेंगे। रसोई गैस सिलेंडर अगर आपके घरों में इस्तेमाल होता है खाना बनाने के लिए तो जान लीजिए कितने रुपये तक बढ़ सकते हैं दाम। अगर आप किसी भी राज्य के हैं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मिजोरम, तेलंगाना, तो कमेंट बॉक्स में पहले ही अपने राज्य का नाम लिख दीजिए। वहीं अगली बड़ी खबर, रिलायंस जियो के इस्तेमाल करने वाले सिम कार्ड धारकों को कंपनी ने दिया बड़ा तोहफा। अगर आप भी रिलायंस जियो का इस्तेमाल करते हैं सिम तो अब फ्री में मिलेगा 5G सर्विस, नहीं करवाना होगा अलग से रिचार्ज। अगर आप भी फ्री में इंटरनेट इस्तेमाल करना चाहते हैं वो भी 5G, तो जियो कंपनी ने आपके लिए बड़ा ऐलान कर दिया है। जान लीजिए कैसे आपको मिलेगा यह फ़ायदा, अभी आपको इसकी पूरी जानकारी देंगे। तो चलिए हर एक बड़ी खबर की मुख्य समाचार के साथ इस वीडियो में ताज़ा जानकारी आपको बताते हैं। गुजारिश है उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, एक बार फिर से हुआ देश में बड़ा ट्रेन हादसा, अभी अभी आई है बड़ी खबर। जी हाँ दोस्तों, आंध्र प्रदेश के विजयनगर में बीते शाम 2 ट्रेनों के बीच फिर से ज़बरदस्त टक्कर देखी गई है। पिछले कई दिनों से देखा जा रहा है देश में कई न किसी राज्य में ट्रेन हादसे देखने को मिल रहे हैं। इस रेल दुर्घटना में 13 लोगों की मौत की खबर हो चुकी है और खबर ये निकल कर रही है कि 50 लोगों से ज़्यादा इसमें घायल हो गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार विशाखापत्तनम पलासा पैसेंजर और विशाखापत्तनम रायगढ़ पैसेंजर आपस में टकरा गई हैं, जिसके वजह से 3 कोच गाड़ी के जो है पटरी से उतर गए हैं।
जिसमें बड़ा हादसा देखने को मिला है और कई लोगों की मौत की खबर आई है। वहीं अगली अपडेट बेहद ही बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों, 3 लाख रुपए तक सरकार दे रही है लोन का फ़ायदा, यह कार्ड बनवाते ही तमाम गरीब किसानों को मिलेगा लाभ। जी हाँ दोस्तों, किसान क्रेडिट कार्ड धारकों के लिए बड़ी ऐलान हो चुका है। किसान क्रेडिट कार्ड धारकों को किसान लोन पोर्टल के माध्यम से बिना संपार्श्विक और सब्सिडी के साथ लोन सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किसान अपने खेती बाड़ी से जुड़े हुए जितने भी काम हैं उनके लिए सरकार से सीधा पैसा ले सकते हैं। यानी एक प्रकार से किसान क्रेडिट कार्ड तमाम किसानों का एक ATM कार्ड है, जिसके माध्यम से अगर उनको ज़रूरत पड़ती है खाद की बुआई के लिए या फिर पानी सिंचाई के लिए पैसों की, तो सरकार से वो सीधे लोन ले सकते हैं। लेकिन इन सब कामों के लिए आपके पास किसान क्रेडिट कार्ड होना चाहिए। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड बनवा लीजिए। सरकार की तरफ से 3 लाख रुपए तक का लोन 4% की ब्याज पर दिया जा रहा है मात्र। वहीं अगली बड़ी खबर, इस बैंक में अगर आपका BA खाता तो हो जाएं सावधान, फटाफट कर लें यह काम वरना बंद हो जाएगा आपका अकाउंट। दोस्तों, देश के सबसे बड़े बैंकों में शुमार पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से एक बड़ी खबर आ रही है। यदि आपका भी इस बैंक में खाता है तो सतर्क हो जाएं, आने वाले 1 से 2 दिनों के भीतर ही आपका अकाउंट बंद हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, पंजाब नेशनल बैंक ने अपने सभी ग्राहकों को बताया है कि अगर आपकी KYC नहीं हुई है तो फटाफट से करवा लें, 31 अक्टूबर के बाद आपका खाता नहीं तो बंद कर दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, आपको बता दिया जाए कि जितने भी खाता धारक अपने बैंक खातों से पिछले 6 महीनों से ज़्यादा हो गए हैं और ट्रांजैक्शन नहीं किया है तो उनका भी खाता बंद किया जाएगा। इसके अलावा अगली बड़ी खबर, आधार कार्ड धारक तुरंत कराएं यह ज़रूरी काम, नहीं तो हो जाएंगे साइबर ठगी का शिकार। दोस्तों, बढ़ते टेक्नोलॉजी के दौर में हर धोखाधड़ी के मामले काफ़ी तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं, जिससे आपको भी सावधान हो जाना है। आपको बता दें, हालात इतने ख़राब हो चुके हैं कि आपके बिना जान पहचान के ही आपके खाते से पैसे कट सकते हैं और आपको इसका पता भी नहीं चलेगा। जी हाँ दोस्तों, आधार कार्ड आज एक ज़रूरी डॉक्यूमेंट हो चुका है। अगर आपके पास भी आधार कार्ड है तो उसमें आपकी कई ऐसी ज़रूरी जानकारियाँ होती हैं, जिसमें आपकी ज़रूरी जानकारी अगर एक बार चोरी हो गई तो धोखाधड़ी का आप भी शिकार हो सकते हैं। आपको क्या करना है कि आपके आधार कार्ड में बायोमेट्रिक लॉक करके रखना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो कभी भी आप धोखाधड़ी का शिकार बन सकते हैं। बायोमेट्रिक लॉक करने के लिए आधार कार्ड धारक जो यहाँ पर हैं, UIDAI की वेबसाइट पर जाकर अपनी बायोमेट्रिक का जब चाहें तब लॉक अनलॉक कर सकते हैं। और इसके अलावा देश भर में 1 तारीख से होने जा रहे हैं कई बड़े बदलाव, जिनका आपकी जेब पर पड़ेगा सीधा असर। दोस्तों, रसोई गैस सिलेंडर से लेकर GST तक देश भर में कई बड़े बदलाव हैं जो कि होने वाले हैं। आपको बता दें, अक्टूबर का महीना ख़त्म होने वाला है और नवंबर महीने में कई बड़े बदलाव होंगे। सबसे पहला बदलाव जिसमें से है, गैस सिलेंडर के दाम बढ़ सकते हैं फिर से। जी हाँ दोस्तों, हर महीने की 1 तारीख को गैस सिलेंडर के दामों में बदलाव होता है। ऐसे में 1 नवंबर से देश भर में कीमतें कंपनियों की तरफ से घटाई या फिर बढ़ाई जा सकती हैं। इसके अलावा GST के नियमों में होगा बड़ा बदलाव। जी हाँ, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र यानी कि NIC के मुताबिक 100 करोड़ या फिर उससे ज़्यादा के कारोबार वाले बिजनेस को 1 नवंबर से 30 दिन के अंदर ई चालान पोर्टल पर GST चालान अब अपलोड करना होगा।